हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्नवे चैनल पर, जिसमें आज हम फिजिक्स के पेपर का रिव्यू करेंगे जो 21 सितंबर में आया था। इसमें थर्ड शिफ्ट के ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे और फर्स्ट और सेकंड के एक या दो क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमारे पास थर्ड शिफ्ट के पूरे क्वेश्चन नहीं आ पाए, इसलिए यहाँ पर अदर शिफ्ट के क्वेश्चन को भी यहाँ पर ऐड करना पड़ा। और जिन लोगों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, वो लोग इसे टेस्ट की तरह डील कीजिएगा। आपको 10 सेकंड्स मिलेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। और जो न्यू स्टूडेंट्स देखेंगे, उनके लिए ये प्रीवियस ईयर का पेपर हो जाएगा। आपको यहाँ पर चार ऑप्शंस मिलेंगे। जिस तरीके से पेपर में क्वेश्चन के ऑप्शंस मिले थे, उसी तरीके के ऑप्शन हमने देने की कोशिश की है। एक आध दो ऑप्शन ऊपर नीचे भी हो सकता है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया था, तो जल्दी से लाइव चैट में कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए ML इनवर्स T-2 को चुना है, उन सभी का आंसर राइट है, या जो लोग यही चुनकर आए हैं उन लोगों का भी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगुलर स्पीड ऑफ अ व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 1800 RPM टू 3000 RPM इन 20 seconds, देन व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी कि एक पहिया है जिसकी कोणीय गति 20 सेकंड में 1800 RPM से 3000 RPM तक बढ़ जाती है, तो कोणीय त्वरण क्या होगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी 2π rad/s² आ रहा है, उन सभी का आंसर राइट है, या जो लोग इसी ऑप्शन को चुनकर आए हैं उन सभी का आंसर राइट होगा। सिंपल सा यहाँ पर आप लोगों को ओमेगा निकालना पड़ेगा और वह होगा 2πn/60। तब आप लोगों का जो ओमेगा निकलेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी निकलेगी, रेडियन पर सेकेंड में आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो इसलिए हमें 60 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो कर दीजिए, यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हैं ओमेगा को। और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, dW/dt, यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो टाइम टेकन यहाँ पर 20 सेकंड्स है और चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी आपको निकालना है, तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, डायरेक्ट इन दोनों के आरपीएम को पहले सेपरेट कर लीजिए, फिर यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए उसे रिवॉल्यूशन पर सेकंड में। तो 3000 आरपीएम में से 1800 आरपीएम गए, तो कितने बचे, 1200 बचे। अब 1200 को आप लोग डायरेक्टली रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2π से मल्टीप्लाई कीजिए और 60 से डिवाइड दे दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 6 to 12, 20 × 2 यानी कि 40π आपका यहाँ पर dW हो गया। ये dW की वैल्यू है, तो 40π/20 seconds, तो कितना होगा, 2π rad/s², यही आप लोगों का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ। ऑप्शन नंबर ए मास, बी एनर्जी, सी मोमेंटम, एंड डी है नन ऑफ दीज। मोमेंटम संवेग, एनर्जी ऊर्जा, मास द्रव्यमान। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी एनर्जी को चुना है, उन सभी का आंसर राइट है, एनर्जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी तरीके से आप लोगों को किरचॉफ फर्स्ट लॉ के बारे में भी पढ़ के जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इन अ नॉट गेट इनपुट इज गिवन 1, देन व्हाट इज द आउटपुट। अगर नॉट गेट है और उसमें एक इनपुट किया जाता है, तो आउटपुट क्या होगा। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, उन सभी का आंसर राइट है। अगर इनपुट 1 है नॉट गेट में, तो 0 आएगा आउटपुट, अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 आएगा। इसी तरीके से आप लोगों को सारे गेट्स को क्लियर करके जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इफ द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 25%। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वाला क्वेश्चन हमने आपको कराया था, प्रैक्टिस सेट 6 में भी इसका क्वेश्चन कराया है, और जिन लोगों को ये सब चीज क्लियर नहीं हो रही है, वो लोग थर्मोडायनामिक्स वाला लेक्चर भी देख सकते हैं। अगर कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 25% है और यहाँ पर आप लोगों को टेम्परेचर दे रखा है सिंक का 27°C, देन व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो सोर्स का जो टेम्परेचर होगा वह कितना होगा, तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए 127°C आ रहा है, उन सभी का आंसर राइट है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग वैसे ही लेवल इंक्रीज करो बोल रहे थे, इतने ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ 2 या 3 स्टेप में जो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए वही आप लोगों के लिए आते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी कम रहता है। 20 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इफिशियंसी होगी आप लोगों की 1 - T2/T1, वेयर T2 इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड T1 इज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया था कि टेम्परेचर को किस में रखना होगा, केल्विन में। तो 27 प्लस
273 कितना हो जाएगा 300 केल्विन और एफिशिएंसी आपको दे रखी 25% यानी कि 25/100 इक्वल्स टू 1 माइनस T2 की वैल्यू होगी 300/T1 तो ये हो गया 1/4 इसको इधर ले आएंगे हम और इसको इधर ले जाएंगे तो 300/T1 इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4 तो ये कितना हो जाएगा 3/4 3 से ये 100 टाइम 4 इधर आ जाएगा यानी कि 400 केल्विन आप लोगों का आंसर होगा लेकिन आपको किस में देना है सेल्सियस में देना है तो 400 में से 273 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 127 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एसी सर्किट पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 423 वोल्ट इट्स इफेक्टिव वोल्टेज इज तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन तो सभी को करेक्ट करके आना चाहिए था तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी 300 वोल्ट आ रहा है उन सभी का आंसर राइट है बहुत ही इजी क्वेश्चन है वी इक्वल्स टू वी नॉट बाई रूट टू होगा वी नॉट आपको दे रखा है 423 और रूट टू की वैल्यू 1.414 और जब आप लोग इससे डिवाइड दोगे तो 299 पॉइंट समथिंग आएगा यानी वो क्या हो जाएगा 300 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 बायोगैस कंसिस्ट ऑफ बायोगैस में क्या क्या शामिल होता है तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी CO2 प्लस H2 प्लस CH4 आ रहा है उन सभी का आंसर राइट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने व्हाट डज द एरिया अंडर अ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का जो एरिया होता है वह क्या रिप्रेजेंट करता है टोटल एनर्जी यानी कि कुल ऊर्जा वी वर्क डन यानी कि कार्य सी टोटल फोर्स यानी कि कुल बल एंड डी है टोटल मास। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी वर्क डन को चुनकर आए हैं उन सभी का आंसर राइट है या जो लोग अभी भी वर्क डन को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 इफ अर्थ स्टॉप रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस तो इस तरीके का क्वेश्चन हमने आप लोगों को कराया था देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा इक्वेटर पे वह क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेज हो जाएगा बी ए डिक्रीज हो जाएगा सी ए जीरो हो जाएगा एंड डी ए रिड्यूस टू जीरो। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेस चुना है उन सभी का आंसर राइट है अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करना स्टॉप कर देगी तो जो जी की वैल्यू होगी इक्वेटर पर इंक्रीज हो जाएगी और वह नॉर्थ पोल के बराबर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 इफ अ पार्टिकल ऑफ अ मास एम इज एक्सिक्यूटिंग SHM देन द टोटल एनर्जी इज रिलेटेड विद डिस्प्लेसमेंट एक्स तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को कराया था फॉर्मूला आप लोगों को बताया था टोटल एनर्जी का और आप लोगों को बताना है यह किस तरीके से रिलेटेड है ऑप्शन नंबर ए है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट है बी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x एंड सी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर एंड डी है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ रहा है उन सभी का आंसर राइट है टोटल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 इफ T1 एंड T2 आर द टेम्परेचर एंड L इज द लेंथ ऑफ द रॉड एंड A बी द एरिया देन व्हाट विल बी द हीट ट्रांसफर इफ T1 इज ग्रेटर देन T2 तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सिंपल सा आप लोगों से फॉर्मूला पूछ रहा है इसीलिए आप लोगों को बताया है फॉर्मूला प्लस कंसेप्चुअल क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए dQ/dt = kA T1 - T2/L को चुनकर आए हैं उन सभी का आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन का इनमें से कौन सा एग्जांपल है ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेशन ऑफ अ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वी है फॉर्मेशन ऑफ हीलियम फ्रॉम हाइड्रोजन सी है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्रॉम नाइट्रोजन एंड डी है नन ऑफ दीज। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा इससे इजी क्वेश्चन भी नहीं हो सकता है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेशन ऑफ हीलियम फ्रॉम हाइड्रोजन चुनकर आए हैं उन सभी का आंसर राइट है और कई लोग ऐसे भी होंगे जो ऑप्शन नंबर ए को भी चुनकर आए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 अरेंज द वेव इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी के घटते हुए क्रम में आप लोगों को इन्हें अरेंज करना है। आप लोगों को बताया था जब हमने EM का लेक्चर कराया था कि इन्हें वेवलेंथ की फॉर्म में याद कर लीजिए और फ्रीक्वेंसी आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के यानी कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वही ऑर्डर के आपको जस्ट अपोजिट करना था। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी एक्स रेज विजिबल लाइट इंफ्रारेड वेव
एंड रेडियो वेव को चुना है, उन सभी का आंसर राइट है। ये इसका होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे घटती हुई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इन एयर, देन फोर्स बिटवीन देम इज एफ, इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ के इक्वल टू 2 इज इंसर्टेड देन व्हाट विल बी द न्यू फोर्स। तो न्यू फोर्स क्या होगी जब k इक्वल टू 2 का डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया जाता है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी एफ बाई टू को चुनकर आए हैं या जो लोग अब भी चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। आपको पता ही होगा एफ इक्वल्स टू आपका एफ डैश इक्वल्स टू एफ अपॉन के होता है, तो आपको सिंपल सा के की वैल्यू आपको नीचे रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर नॉर्मली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज। इस तरीके का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, मार्च के पेपर में भी पूछा गया था और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है उसके नॉर्मली एंटर करता है तो जो उसका पाथ होगा वह क्या होगा। और एक चीज याद रख लीजिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए सर्कुलर, बी स्ट्रेट लाइन, सी हेलिकल एंड डी है नन ऑफ दीस। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए सर्कुलर को चुना है उन सभी का आंसर राइट है। चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वह सर्कुलर होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर यहीं पर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है तो उसका पाथ जो होगा वो होगा हेलिकल, और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही एंटर करता है तो वहां पर पाथ होगा उसका स्ट्रेट लाइन। तीनों कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो गए। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी सुन लीजिए, अगर चार्ज पार्टिकल आपका प्रोटॉन है यानी कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो अगर एंटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, इस तरीके से अगर प्रोटॉन इसमें एंटर करता है तो वह नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा और उसका जो पाथ होगा वह भी क्या होगा, कर्व यानी कि सर्कुलर पाथ होगा। और अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है उसका भी पाथ कर्व होगा या सर्कुलर बोल सकते हैं, और वह पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। और बात करते हैं लास्ट पार्टिकल जो कि न्यूट्रॉन, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता वह स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एंगल बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज। इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर वर्क डन जीरो होता है, तो बताइए इक्विपोटेंशियल सरफेस और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल होगा। तो आप सभी को पता होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, इसलिए वर्क डन भी उसमें क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट रेस पासेस थ्रू डेंसर टू रेयर मीडियम देन स्पीड ऑफ लाइट इज। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये आप लोगों के सभी के करेक्ट होंगे। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेस वेलोसिटी बढ़ जाएगी, बी है डिक्रीजेस घट जाएगी, सी है रिमेन सेम एंड डी है नन ऑफ दीज। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेस चुना है उन सभी का आंसर राइट है। आपको पता होगा डेंसर मीडियम से रेयर में जाती है, यानी कि ग्लास स्लैब से अगर कोई चीज एयर में आती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, और रेयर टू डेंसर में आती है तो उसकी वेलोसिटी घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, यहां पर हमें ऑप्शन इसके मिले नहीं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था इसलिए इसके ऑप्शन कुछ बन नहीं पाए, तो आपको आइडेंटिफाई करना है किस तरीके से था। फोर्स आपको पता है डीपी ओवर डीटी होती है, मोमेंटम आप लोगों को दे रखा है इस तरीके से, तो डीपी ओवर डीटी से हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं, या कोई रिलेशन दे रखा हो क्वाड्रेटिक के लिए है वेरी करेगा तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज प्रोड्यूस्ड बाय, वहां तक थे थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, अब ये कुछ मिक्स्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरीके से प्रोड्यूस की जा सकती है, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी में से कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी से लाइव चैट में कमेंट कीजिए। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी बाय एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन चुन के आए हैं उन सभी का आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वर्क डन बाय अ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी होना चाहिए, क्योंकि वर्क डन बाय अ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव होता है लेकिन कभी कभी वह पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए बोथ ए एंड बी। लेकिन ऑलवेज यहां पर लगा हुआ है तो नेगेटिव हो सकता है इसका आंसर, और जो कंडीशन है कि कभी कभी ये पॉजिटिव भी हो जाता है तो बोथ ए एंड बी भी हो सकता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ये कंफ्यूजन में है,
पॉजिटिव किस केस में होगा, तो इस तरीके से समझ सकते हैं, कोई दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं एक के ऊपर एक, ये ऑब्जेक्ट आपका ए है, ये आपका ऑब्जेक्ट बी है, ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। अब जो ए ऑब्जेक्ट होगा, इस तरीके का क्वेश्चन हमने आप लोगों को फ्रिक्शन वाले लेक्चर में कराया था, अब जो ए होगा वह इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसकी जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, यानी कि इन द सेम डायरेक्शन। तो जो वर्क डन होगा ऊपर वाले के थ्रू वह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और काइनेटिक फोर्स और बी वाले के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव, जो कि आपका हर केस में देखने को मिलता है, कुछ केसेस में वर्क डन पॉजिटिव भी होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ आर शेप्ड इनटू अ स्क्वायर, स्क्वायर फॉर्म में है, यानी दो वायर हैं जिनकी सेम लेंथ है, उनको शेप दी जा रही है स्क्वायर की और सर्कल की, इफ दे कैरी सेम अमाउंट ऑफ करंट, अगर उनमें करंट सेम जाता है तो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज, मैग्नेटिक मूवमेंट से भी काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का रेशियो क्या होगा इनका, तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी पाई इज टू 4 को चुनकर आए हैं उन सभी का आंसर राइट है। जैसे कि आप सभी को पता है m इक्वल्स टू i इंटू ए होता है, i यहां पर सेम है तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ स्क्वायर अपॉन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अभी स्क्वायर इस तरीके से है और लेंथ आपको दे रखी है सेम, यानी कि मान लेते हैं एल है, स्क्वायर फॉर्म में बनेगा तो हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, एल बाई 4 हो जाएगी। किस तरीके से, 4a होता है इसका पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4a, और जिसकी वैल्यू है l, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी l बाई 4, यानी एक साइड आपकी क्या हो जाएगी l बाई 4। और बच्चे आप लोगों का सर्कल, सर्कल का सिंपल सा आपको पाई आर स्क्वायर लगाना है, तो 2 पाई आर आपको दे रखा है l के बराबर, तो r बराबर क्या हो जाएगा l बाई 2 पाई। अब आप लोगों को इनके सिंपल से स्क्वायर कर देने हैं, स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, यानी कि l बाई 4 का होल स्क्वायर अपॉन में पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आपको दे रखी है एल अपॉन 2 पाई, इसका हमें करना होगा होल स्क्वायर, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा और एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी एक पाई बचेगी जो, और 4 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस व्हेन प्रेशर इज इंक्रीजेस देन व्हाट विल इफेक्ट ऑन हीट ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेस, बी डिक्रीजेस, सी नो चेंज एंड डी है नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन तो काफी इजी है, आप लोग इसे पढ़कर ही समझ चुके होंगे, जिन लोगों की तैयारी अच्छी होगी या जिन लोगों ने थर्मोडायनामिक्स वाला लेक्चर देखा होगा। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी नो चेंज को चुनकर आए हैं उन सभी का आंसर राइट है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का ट्रांसफर ही नहीं होता, हीट कॉन्स्टेंट होती है वहां पर, इसलिए प्रेशर बढ़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी नो चेंज इसका आंसर होना चाहिए। इसी तरीके के कुछ ऑप्शन होंगे तो आप लोगों को वहां पर चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीपल ऑफ अ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि सिंपल सा एंगुलर मोमेंटम का आपसे ये फॉर्मूला पूछ रहा है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए इन ऑप्शंस को पढ़कर। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी को चुना है उन सभी का आंसर राइट है, यानी आई ओमेगा आप लोगों का क्या होता है एंगुलर मोमेंटम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, यूनिट के काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और क्रॉस क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी, एफ अपॉन क्यू होता है ई इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगी न्यूटन पर कूलम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, डायमेंशंस आपको दे रखी है एम एल इनवर्स टी माइनस 1 आर रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेटेड है, यानी क्रॉस क्वेश्चन भी ये पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी ऑप्शन नंबर डी, जिन लोगों ने चुना है उन सभी का आंसर राइट होगा। और आप लोग अब खुद ही आइडेंटिफाई कर लीजिए किस तरीके का लेवल आता है, जो लोग पहले कह रहे थे सर लेवल हाई कीजिए, अब आप लोग खुद ही देख लीजिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस काफी आते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन कम रहता है, और वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके आंसर 2 या 3 स्टेप्स तक आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट काफी कम होती है। आई होप आप सभी को ये एग्जाम रिव्यू का पैटर्न पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने लर्नवे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए आप लोगों के पेपर कैसे जा रहे हैं, और अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो किस वजह से नहीं हो पा रहा है, ये आप लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा, जिससे कि अगली बार जो पेपर हो उसमें कोई गलती ना हो।
और रिव्यू जब भी हो पाएगा जब आप लोग क्वेश्चंस को शेयर करेंगे, तो प्लीज क्वेश्चंस को शेयर कीजिए कम्युनिटी टैब में। थैंक यू।